टाटा पावर में ऑलमोस्ट देखेंगे तो 1% का ऊपर की तरफ आज के दिन मोमेंटम देखने मिला, लेकिन स्टॉक ने ट्राई किया था एक ब्रेकआउट दिखाने का, जो कि स्टॉक का ऊपर की तरफ लेवल था 350 रुपीज़ का रेजिस्टेंस का लेवल। स्टॉक 350 के पास क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन स्टॉक ने क्लोज किया अराउंड 340 रुपीज़ 85 पैसे के पास। तो ये जो 350 रुपीज़ के पास से हम लोग को रिजेक्शन मिला, तो क्या ये स्टॉक में नेगेटिव पार्ट है या फिर एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग को नेक्स्ट वीक में टाटा पावर में देखने मिल सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में। स्टॉक में नीचे की तरफ एक सपोर्ट है जो कि अराउंड 315 रुपीज़ का लेवल है। तो किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा पावर में इन्वेस्ट किया तो आप लोगों का स्टॉप लॉस अराउंड 300 रुपीज़ के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग को 300 रुपीज़ के पास से स्टॉक में अच्छा खासा ऊपर का ब्रेकआउट देखने मिला, और इवन देखेंगे तो स्टॉक ऊपर के लेवल पर सस्टेन कर रहा, जो कि स्टॉक में एक पॉजिटिव बात है। तो अगर जिस हिसाब से ऊपर के लेवल पर सस्टेन कर, अगर 2-3 दिन ऊपर के लेवल पर और सस्टेन कर जाएगा, यानी कि 345 से लेकर 340 रुपीज़ के पास, तो एक अच्छा खासा टाटा पावर में फिर से हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकेगा। तो सपोर्ट हो जाएगा, हम लोग को स्टॉप लॉस होगा अराउंड 300 रुपीज़ के पास। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा, अगर एक बार स्टॉक 350 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा तो टाटा पावर का पहला टारगेट होगा जो कि 400 रुपीज़ तक का होगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक 500 रुपीज़ तक का भी लेवल हम लोग को इजीली दिखा सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करने का सोच रहा है टाटा पावर में, तो गिरावट पे भी कर सकता है, या फिर आइदर करेंट प्राइस पे भी कर सकता है, या फिर एक 350 रुपीज़ का ब्रेकआउट के ऊपर भी कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा जो कि हम लोग को अराउंड 300 रुपीज़ के पास होगा। टारगेट हो जाएगा लगभग 400 से लेकर 500 रुपये तक का टाटा पावर में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।